आज बहुत ठंड है ताइवान में, और ठंड के दिन ताइवानीज लोग क्या खाते हैं, मतलब उनमें से एक डिश जो है, तो ये एक सूप बेस डिश होती है जिसमें सूप में डाल के सारी चीजें, और फिर उसको पीते भी हैं और खाते भी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। तो चले शुरू करते हैं। इस डिश को बोलते हैं, या इस पूरे सेटअप को बोलते हैं हॉट पॉट। हिंदी में ट्रांसलेट करें तो गर्म पॉट हो गया एक। तो जैसे इसके अंदर मैंने, इसमें है सूप बेस, और इसको एक बर्नर से इसमें गर्म करेंगे, सूप बॉयल होता रहेगा। और ये सारी वेजिटेबल इधर हैं, मीट है, टोफू, मतलब आप जो भी चीज़ इसमें डाल के खा सकते हैं वो डाल सकते हैं इसमें। और फिर उसके बाद नॉर्मली लोग एक साथ फैमिली या दोस्तों के साथ मिल के बैठ के उसको खाते हैं, बातें करते हैं, और फिर अपना अपना जो है उसको एक सूप में डाल के निकाल के खाते हैं। उसके लिए यहाँ पे फायर है, फायर ऑन कर देते हैं। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा बॉयल होने में, तो गरम जब तक ये गरम होता है तब उसमें ये चीज़ डालेंगे। तो उसके आप ये पूरा सेटअप तैयार करके उसको आप अपने घर में भी, अगर आपके पास ऐसा पोर्टेबल स्टोव है तो इसको ट्राई कर सकते हैं इंडिया में भी, या कहीं पे भी आप हैं। और एक अच्छा डाइनिंग टेबल पे, एक फैमिली गैदरिंग में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसके अंदर डाल देते हैं चीज़ें, तो ये गर्म होता है। मैंने सब्जियां ली हैं जो मुझे पसंद है, इसमें बेबी कॉर्न कॉर्न्स डाल देते हैं इसमें। तो आपने सारा एक साथ नहीं डालना, धीरे धीरे करके, ताकि जैसे पके फिर आप जब तक उसको खाते हैं फिर और डाल के फिल कर देते हैं, और एक दो पीस डाल देते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, ब्रोकली है, गोभी है, जुकीनी है, और बेबी कॉर्न है, टोफू है। तो बेसिकली सारी चीज़ें डाल दी हैं इसमें। आप मीट जो भी आपके पसंद का मीट है वो डाल दें, मटन डाल दें, चिकन डालना है, फिश डालना है, वो नॉर्मली डालते हैं। फिर तो आप इसमें एग भी डाल सकते हैं, नूडल डाल सकते हैं, कोई भी चीज़। तो ये बॉयल होता रहेगा, इसका वेट करते हैं तब तक। अब मैं ये नूडल डालने वाला हूँ इसके अंदर। तो ये नूडल की एक हिस्ट्री है, 1970 में ये पहली बार प्रोड्यूस हुआ था, जो लगभग 52 साल पुराना है। तो ये सूप, ये मेरा बॉयल होने लग गया, तो ट्राई करते हैं कैसा है। तो आप जब सब्जी पकने में थोड़ा टाइम लगेगा तो उससे पहले आप सूप से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सूप ले लेते हैं। अच्छा, जिंजर का फ्लेवर है, चिकन फ्लेवर, गरम सूप ठंडे दिन में बेस्ट। अभी टोफू हो गया होगा, टोफू तो ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, तो टोफू निकालते हैं, निकालने के लिए चाहिए। बेसिकली जो मुझे लगता है हॉट पॉट का जो रीज़न रहा होगा वो तो फैमिली गैदरिंग का रहा होगा, कि सारे लोग मिलके बात नहीं कर सके, फैमिली और बातचीत होती रहे साथ में, धीरे धीरे सूप भी, अगर आप बोल ऐसे बोल बोल सूप करके लाएंगे तो वो ठंडा हो जाता है। तो इस उसमें मतलब एकदम गर्म में ना मान देख सकते हैं। इसमें सब्जियाँ मेरी तैयार हो गई थी, सब्जियाँ ले लेता हूँ। ब्रोकली शायद तैयार हो गई होगी, और जुकीनी है, जुकीनी जो भी आप उसको बोल लो, और गोभी हो गया होगा, ट्राई करते हैं इसको। वैसे ही जब सूप में पकाते हैं तो सब्जियों के अंदर भी सूप का जो फ्लेवर होता है वो जाता है। जो ऐसे बॉयल खाने के लिए जो सबसे अच्छी सब्जी मुझे लगती है वो जुकीनी है, जो इसका टेक्सचर होता है बड़ा सही होता है। उसमें मीट डाल देंगे, ये बेसिकली पोर्क है। उसको ऐसे करना ऐसे बहुत थिन स्लाइसेस हैं, तो ये ऐसे बहुत जल्दी पक जाती है।
ज्यादा कुछ फ्लेवर नहीं है, केवल मीट का फ्लेवर है, वेरी अच्छा है। आपको अगर चिकन डालने तो आप उसको मैरिनेट करके वैसे फिर डाल सकते हैं अगर ज़्यादा फ्लेवर चाहिए, बट नॉर्मली ऐसा ठीक है। तो ये दिखाना था आपको ठंड के दिन में नॉर्मली जैसे इंडिया में हम लोग ये चाय समोसा खाने का मन करते हैं, पकौड़े खाने का मन करते हैं, ऐसी चीज़ें तो ताइवान में हम लोग हॉट पॉट खाते हैं, बेसिकली मोस्टली यही खाते हैं। वीडियो यहीं पर एंड करेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप क्या क्या ट्रेडिशनल खाना या और भी कोई ऐसे खाने से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।